शॉर्ट्स में मैं आपके सामने मात्राओं के अलावा कुछ और ऐसे शब्द हैं जिसको हम लगा के उड़िया में वर्ड्स फॉर्मेशन करते हैं, जिस तरह से वो कोंको आपका इस तरह से लिखते हैं, वो कोंको यानी जैसे कोंकड़ा को कोंकड़ा वो कोंको, ये हो गया कोंकड़ा, वैसे ही वो गोंगो। गोंगा गोंगा फिर यो चंचो कैंची, ये यो चंचो कैंची। दध वृद्धा, वृद्धा आश्रम जैसे बोलते हैं, इस तरह से वृद्धा लिखते हैं हम लोग। वो कंक कंकड़ा, वो गंग गंगा, यो चंच कैंची, दध वृद्धा। इसका उच्चारण हो जाएगा नौ, जैसे विष्णु विष्णु, ये सौ के नीचे इस तरह से ओ लिख देंगे, विष्णु। विष्णु के बाद अब हम नौ दंत पढ़ने जा रहे हैं। नौ दंत इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से दो में इस तरह से निकाल दीजिएगा तो नौ दंत हो जाएगा, जो कि हम पढ़ते हैं निंदा। नौ हर्षिकार द, इसके ऊपर ऐसे आप निकाल दीजिएगा तो नौ दंद आकार निंदा। ये वर्ड मैं फिर से आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ, कोंकड़ा गंगा कोंची वृद्धा विष्णु निंदा। थैंक यू।